वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रो रोम अम्पायर जो भी है। तो 493 वेव है और गाइस, हमने इसे अपग्रेड करके यस ऐसा बना दिया। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। और कुछ भी, अपना एक घोड़ा अपग्रेड किया, एक इसे अपग्रेड किया, और इसके तो आपको पता ही है चाल चलन कैसे हैं। और मैं अब एक हीरो को अनलॉक करूँगा और एक, ये देख लो आप एक बार, चलो एक वेव खेल लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा बाहर खेलेंगे। आज हम 500 वेव कंप्लीट करेंगे गाइस। काफ़ी डिफ़िकल्ट था गाइस यहाँ तक पहुँचना, बहुत सारे मतलब कि मुश्किल मुश्किल वेव्स का सामना करना पड़ा, तब जाके हम आए हैं यहाँ पे। और गाइस, आपको भी पता होगा कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए। ये देखो, ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसे मैं कई बार हारा हूँ। तो गाइस, पहला मैच हम हार गए, कोई बात नहीं, पैसे तो हमें मिल ही गए हैं। तो चलते हैं मैप पे, वैसे भी खेलने का मेरा कुछ खासा मन नहीं था। ये देखो गाइस, इधर और अनलॉक हो चुके हैं लेवल्स। ये देखो 93 लेवल भी है 96 से पहले। यहाँ पे मैंने कई लेवल क्रॉस कर दिए थे, तो 68 लेवल खेलते हैं। ये भी डाल दो इसमें भाई, अभी तो इतनी सेना पड़ी है। अच्छा, मैंने छोटे छोटे लेवल खेल रहा था, चलो गाइस बड़े को नहीं, फिलहाल छोटे छोटे को रहा कि गाइस जल्दी से, नहीं नहीं बस इतने काफ़ी है गाइस इसे हराने के लिए। बस उल्टा ना पड़ जाए मेरा दाव, कहीं हार ना जाऊं मैं। वैसे ये मेरी पूरी सेना नहीं है, इसलिए हार भी सकता हूँ, पर लगभग सारी अपग्रेडेड सेना तो है। हाँ, जीत जाऊँगा आराम से, ये जीत गया गाइस, जीत जाऊँगा क्या, अभी दूसरे में एक आध बंदे आएंगे अपग्रेडेड वाले। तो विक्ट्री गाइज, जब आप ये ऊपर देख रहे हो ना, एम्पायर कंप्लीटेड, जब ये 40 होगा तो हमारा एक और बंदा अनलॉक हो जाएगा। तो इसकी पावर भी आपको दिखाता हूँ, तो मुझे चाहिए ये। ये देखो भाई, ये बहुत बढ़िया तो नहीं, वैसे दिखने में बढ़िया है, काम इसका है ही ठीक ठीक ही है, दिखने में बढ़िया है बस भाई, ये टूट ना जाए। अच्छा, ये पीछे कर दी मैंने, मेरी बाकी सेना आगे चली गई, इसको डैमेज नहीं पहुंचेगा, मेरी सेना इसे कवर कर देगी। पहुंच तो रहा है पर उतना नहीं है। मैं सोच रहा था इसको सारी सेना को अपग्रेडेड रखेंगे, बस 88% हो गया, बस थोड़ा सा और खेलना है और हमारा अनलॉक हो जाएगा। और कुछ छोटे छोटे नहीं है जो जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो कोई बात नहीं गाइस, छोटे क्या क्या है, 64 है, 44 खेलते हैं। ये ले लो गाइस, ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, रिस्क नहीं लेना गाइस, हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, अगर एक बार और अपग्रेड किया इसे, एक बार नहीं तीन बार अपग्रेड करना पड़ता है, मैं मतलब एक लेवल और किया तो। लो गाइस, जीत गए तो बड़ी आसानी से। अभी दूसरा सेना का टुकड़ा आना है, सेना की टुकड़ी। लो गाइस, इतनी बड़ी सेना तो अभी आनी थी। ओ, हो गया अनलॉक गाइस इतना, भाई ये तो वही है तगड़े वाला। ये भी गेम हम ट्राई करेंगे गाइस, पहले उसे अनलॉक करना है। कितने का है भाई तू? 80 डायमंड्स, कोई बात नहीं, 80 डायमंड्स मेरे लिए अभी कोई मायने नहीं रखते भाई, तू बहुत ही अच्छा बंदा है। अब 60% है, कोई बात नहीं गाइस, 63 से हम जल्दी से 100 करके एक हीरो भी अनलॉक कर देंगे। तो पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा ये कैसा बनता है। तो अटैक करेंगे हम सस्ते पे नहीं करेंगे, 69 पे करते हैं। तो अब फिलहाल ये क्या चक्कर है, घुड़सवार अनलॉक नहीं हुआ था भाई? जहाँ तक मैंने देखा घुड़सवार था। क्रॉस करो, वापस आओ जरा, मैंने घुड़सवार को देखा था अनलॉक हुआ हुआ। चल, लगा था घुड़सवार पर है नहीं, ये वो फेंकने वाला बंदा है, तो कोई बात नहीं, गप फेंकने वाला बंदा नहीं है वो, भाला फेंकने वाला बंदा है। और आप सोचो ये फेंकता है बड़ी बड़ी। तो गाइज, हमारी सेना अब, ये तकड़े वाला बंदा है तो ये आएगा, तो सेना पहले पूरी ठीक करेंगे। ये जो घुड़सवार है ये मैं पीछे लाऊंगा, हाँ ये पहली टुकड़ी में आएंगे, ये दूसरी में आएगा, ये भी पहली में आ जाएंगे, ये भी भाई सेट हो जा, बचा ये। तो गाइज
ये पहली में आ जाएंगे, ये दूसरी में आ जाएंगे, ये है गाइस हो गया भाई। ये तो इसी की सेना से लड़ाई होने वाली है इसकी। ये देखो उन वो भी वही है, हमारे भी वही हैं। तो भाई ये तो चलो अभी आधी सेना है हमारी, आधी तो आनी है। जो मैं सोचू कि ये तो मेरी सेना ख़त्म हो गई, अभी आएगी असली वाली सेना। ये तो वैसे ही थी मजाक, सेना तो अब आएगी गाई, वो तो मजाक था है ना, क्या बोलते हो। ये आई असली सेना तो भाई, ये तो बहुत तगड़े वाले हैं सिर पे, ये तो बड़े अपग्रेडेड अनलॉक हो गए। 80 तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, 80 तो बिल्कुल ठीक रकम है। तो लो गाइस जीत गए हम। तो छोड़ो गाइस, मैं वैसे मेन हमारा ये है कि हम 500 कंप्लीट करेंगे आज वेब्स, ये नहीं था मेरा मेन मिशन। तो 500 वेव के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अगर वेव्स पे ध्यान देना है तो हीरो को अनलॉक करना चाहिए मुझे, डायमंड्स को बचाते हुए। मैं उन्हें इसलिए खरीद रहा हूँ गाइस क्योंकि हमारी सेना उधर भी तगड़ी रहनी चाहिए, हर सभी जगह पे करेंगे। देखो ये दीवारों को कितना अपग्रेड किया हुआ है। अब कोई भी आ जाए, मैं हीरो को अनलॉक करूँगा सबसे पहले, ठीक है ना। 63 अगर 100 पे एक हीरो अनलॉक हो जाए क्योंकि दो एक टाइम पे दो ही हीरो खेल सकते हैं। ये भी मैं हार गया, ऐसे कैसे हार गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जल्दी से आ जाए भाई, तू पार्टी ख़त्म कर देगा मेरी। तो लो भाई अब मैं फॉर्म में हूँ, अब आ जाए कोई भी भैंस का लड़का, अब फॉर्म में हूँ मैं। जल्दी जल्दी से एबिलिटी यूज़ करूँगा, अब फॉर्म में हूँ गाइस। अब मजाक नहीं, अगर अब हारा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ही ठीक नहीं खेला। ओ भाई जी मैंने पत्थर भी मिस कर दिए, तीर भी मिस कर दिए। नहीं नहीं गाइस इस अब की बार नहीं हारूंगा, अब की बार तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे। अब की बार मेरी सेना अभी आ चुकी है उनके आने से पहले, इतना तो तगड़ा इन्हें भी दिखाएंगे गाइस। 500 वेब है, कोई मजाक थोड़ी ना है। लो गाइस जीत गए हम। तो वो होना चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। बस 6 वेब और है 500 कंप्लीट होने के लिए। रिकॉर्डिंग वाला कहाँ पे है? तो गाइज मैंने अब आप सोचो पॉज क्यों किया था। ये जो रिकॉर्डिंग वाला है ना, ये यहाँ पे था गाइज, ये देखना अब कहाँ पे चला जाएगा। ये यहाँ पे था, मुझे लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही और इसी चक्कर में ये वेब भी हार सकता हूँ। ध्यान नहीं था इस वेब पे मेरा, तो ये भी जीत ही गया, तब भी जीत गया, नहीं हार गया। इस पे ध्यान ही नहीं था गाइज मेरा, मेरा ध्यान वहीं पर था। तो गाइज एक आध बार आर्चर्स को अपग्रेड कर लेते हैं, थोड़े से बढ़ जाएंगे। 70,000 इकट्ठा हो चुका था। तो सॉरी गाइज वेब को दोबारा से शुरू करते हैं। मैं नहीं चाहता बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस आपको आए, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। प्लीज़ गाइज जो मेरे फ्रेंड्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ भाई ऐसा मत किया करो कि मेरे व्यूज़ बढ़ाने के, मुझे पता है आप मेरा ही अच्छा सोचते हो, मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप मतलब कि वीडियो ऑन करके लाइक करके कमेंट करके छोड़ दो। प्लीज़ ऐसा मत किया करो, इससे गाइज मेरा नुकसान होता है। व्यूज़ का कोई महत्व नहीं होता। यूट्यूब आपकी वीडियो को तब शेयर करता है लोगों के साथ जब लोग आपकी, जितने भी लोगों ने देखी है देखी हो तब शेयर करता है आपकी वीडियो। मतलब चाहे 5 व्यूज़ आए हों पर 5 के 5 ने आपकी वीडियो कम से कम आधी से ज़्यादा देखी हो। अगर 100 व्यूज़ आए हैं और एक एक मिनट देख के 20 मिनट की वीडियो चले गए तो यूट्यूब उसे कोई गाइस अच्छी वीडियो नहीं मानता। यूट्यूब समझता है थंबनेल बढ़िया था, लोगों ने ऑन कर दी, वीडियो का वो नहीं था, थंबनेल से जुड़ा नहीं था। और गाइस मैं थंबनेल ये भी नहीं है गूगल से सर्च करके देता हूँ, थंबनेल मैं अपना बनाता हूँ। आपको थंबनेल का टैग भी मिलता होगा नीचे, क्योंकि मैं पेड वर्जन नहीं यूज़ करता हूँ उसका। मैं अपनी स्क्रीनशॉट लेके इसका थंबनेल अपनी फ़ोटो लगाता हूँ साथ में, गाइस सब कुछ मेरा होता है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। नहीं इंटरेस्ट भाई कोई बात नहीं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है
देखते हो, मेरे लिए यही बहुत है, थैंक यू है गाइस प्लीज़, पर ऐसा मत किया करो, अपनी तरफ से आप अच्छा करते हो जाता है मेरा बुरा। और भाई ये देखो इसके ऊपर ये भाला सा लग गया गेट के ऊपर, ये पहले नहीं था, अब लगाया अपग्रेड करने पे। मैं सोच रहा हूँ जब ये 100 लेवल की हो जाएगी कैसी होगी दीवार, फिर 100 की करते हैं दीवार को जल्दी जल्दी से, तो पैसे बहुत लगेंगे, ट्रूप से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 3-3 लाख के आते हैं, ये तो बेचारी 17,000 का है सारा, 3-3 लाख लगते हैं 3 बार, तब जाके एक बंदा अपग्रेड होता है। भाई आजा जल्दी से, क्या कर रहे हो? तो कोई बात नहीं, अपना काम कर गए वो, गेट पे खड़े बंदों को हटा गए। 97 पे पहुंच चुकी है, तो बस अपग्रेड करूँगा मैं साइज, वेपन डैमेज वगैरह इसे नहीं करना, हीरो डैमेज इसे भी नहीं करना, इसके बारे में क्या ख्याल? वॉल की हेल्थ अपग्रेड करनी है, ये भी बहुत मायने रखती है, कम से कम अगर हमारे ट्रूप्स ट्रेन हो रहे हैं तो जब वो आए वॉल पे, वॉल टूट ना जाए, कम से कम इससे ज़्यादा डैमेज होना चाहिए, जब भी आते हैं डर पड़ जाता है, अब टूटी दीवार, अब टूटी, टूट भी जाती है, इतने तगड़े ट्रूप्स है ये कौन सा कमज़ोर है, ये अब नए आ गए हैं गाइस, बढ़िया वाले आ चुके हैं हमारे लिए, जैसे हम स्ट्रांग हुए हैं तो हमारे एनिमी स्ट्रांग होंगे, तभी मज़ा आएगा गाइस, अगर पहले लेवल वाले ब्लू कलर की टी शर्ट डाल के कमज़ोर से एनिमी आए तब तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा, आराम से जीतने में कोई मज़ा नहीं है गाइस, 2 बार हार के जीतने में मज़ा जो है वो किसी चीज़ में नहीं है। घुड़सवार भेजता हूँ इस बार, ऐसे इतने पावरफुल भी नहीं है ये जो मैंने इन्हें भेज दिया है, पर कोई बात नहीं, जो भी है भेज दिया है तो अब खेलना भी पड़ेगा। भाई ये भाले वाले हैं ना जो, ये अनलॉक हुए हैं मेरे अटैक के लिए, 5499 वेव है ये, 500 वेव अभी खेलनी है अपने। गाइस जैसे मतलब कि लोग बार बार बोलते हैं माइनक्राफ्ट फैन लवर कि माइनक्राफ्ट की वीडियो डालो, पर मुझे लगता है गाइस ग्रो एम्पायर रोम के बारे में कोई नहीं बोलता कि उसकी वीडियो डालो, पर रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा उसी में आता है, या तो लोग बोलते हैं WCC की वीडियो डालो, या बोलते हैं उसकी डालो माइनक्राफ्ट की, पर गाइस रिस्पॉन्स मतलब कि परसों चौथ डाली मैंने वीडियो है ना, 100 व्यू कंप्लीट कर गई गाइस, 97-98 पे होगी वो, 100 व्यू कंप्लीट कर गई, आपको 98 दिख रहा होगा पर वो 100 कर चुकी है, मुझे शो हो रहा है वो 1-2 YouTube व्यू पीछे ही रखता है जिन्होंने बीच में छोड़ दी होती है आधी, ताकि हमारा वॉच टाइम ना ख़राब हो। तो गाइस ग्रो एम्पायर रोम का मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स, वेव आई कंप्लीटेड वेव 300 बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है, और इसके साथ साइक वेपन भी आएगा। ये वेव हम हार सकते हैं, हार सकते क्या गाइस, हार चुके हैं, इतने तगड़े बंदे डाल दिए हमारे खिलाफ इन्होंने, 500 वेव गाइस बड़ी खतरनाक। भाई अभी मैंने थोड़ी सी अपग्रेड की है अपनी वॉल्स, अपग्रेड की है मैंने थोड़ी सी, अगर अब आप ध्यान से देखो वॉल्स पे भी थोड़ा थोड़ा आपको असर दिख रहा होगा, शायद ये बैनर नए लग गए हैं हमारे सामने, और गाइस ये देखो दो दो हो गए हमारे पास, अब साइक वेपन आएगा इसलिए, तो कोई बात नहीं, बड़े ही बड़े कोई अपग्रेड करके सिलेक्ट कर लेते हैं, दो दो हमारे पास ये हो गए हैं गाइस, ये भी अपग्रेड हो चुका है, बड़ा हो चुका है ये देखो, मैंने सिर्फ 2-3 बार अपग्रेड किया गाइस 80 के बाद, दो दो हमारे पास आ चुके हैं, ये तो चलो दो पहले से ही हो गए थे, ये भी हमारे पास पत्थर फेंकने वाले अभी दो दो आ चुके हैं गाइस, अब जीतेंगे हम, 2 बार पत्थर फेंकेंगे, दो दो बार पत्थर आएंगे गाइस, डबल पत्थर, और पत्थर डैमेज क्या देते हैं ना भाई, एक पत्थर इस पे एक पत्थर दूसरे पे गाइस, अब मज़ा आएगा गाइस, अब आएगा ना आनंद असली, अब हरा के बता दो गाइस, मेरा नाम बदल देना अगर मैं हार गया।
पता है इतने पत्थर को कंट्रोल करना मुश्किल है। कोई बात नहीं गाइस, मुश्किलों से ही जीतो तभी तो मज़ा आता है। और भाई अब मैं नाम नहीं बदलना चाहता, कोई बात नहीं, दो दो पत्थर हमारे लोड हो चुके हैं। और तू क्या मेरी दीवार तोड़ने में लगी हुई है, तुझे मेरे पत्थर नहीं दिखते दो दो? गाइस मेरा बेस बड़ा तगड़ा हो चुका है, अब बहुत ही मज़ेदार हो चुका है। और गाइस इसकी एक बात बढ़िया है हमारे लिए कि जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस में होता है, नया टाउन हॉल अपग्रेड करने पे हमें, मैंने भी गाइस 3 साल क्लैश ऑफ क्लैन खेली है बहुत पहले से ही। मैंने 11 टाउन हॉल किया था, 9 टाउन हॉल मैक्स था मेरा, खोल मैंने सब कुछ लिया था, सारे ट्रूप्स खोल लिए थे, और वो भी खोल लिया था जो ऊपर फेंकता है ईगल आई जो भी कहते हैं, जो भी है उसमें वॉच टावर जब हम खोलते हैं, वो आर्चर टावर कहते हैं शायद उसे, एक विजार्ड टावर, मतलब जो भी खोलते हैं वॉल्स भी खोलते हैं तो पहले लेवल से खुलते हैं। ये देखो ये खुला है तो गाइस ये इतना ही अपग्रेडेड है जितना वो है। ये गाइस बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दो दो बार पत्थर आएंगे गाइस, अब मज़ा आ गया। भाई ये क्या हो गया, ये तो ज्यादा ही तगड़े फॉर्म में आने लग गए। ओ भाई हार जाऊंगा मैं तो, वैसे इस बार मैं सीरियस नहीं था, तो दोबारा से लगाते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से करना है सब कुछ, पूरा ध्यान लगा के तेजी से करना है। अब हमारे ट्रूप्स भी आ चुके हैं और पिछले ट्रूप्स भी बचे हुए हैं, और आधे से ज़्यादा वेव कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब उनके ट्रूप्स आना बंद हो जाएंगे जल्दी ही। तो गाइस ये जो फायर वाले होते हैं पत्थर, ये इनकी आधी हेल्थ ख़त्म कर देते हैं, बाकी की आधी हेल्थ ये सिंपल पत्थर कर देते हैं। ये लो गाइस जीत गए। तो वॉल को ही अभी 100 लेवल करते हैं, क्या पता हो ही जाए कुछ ना कुछ। अपग्रेड 5 कॉलोनीज, तो इसे 5 बार अपग्रेड करने पे हमें मिलेगा। पर गाइस इसे अगर 5 बार अपग्रेड कर दिया तो पहले हीरो खोलूँ फिर 5 बार अपग्रेड करेंगे, तो हीरो के लिए हमें ये मैच खेलने पड़ेंगे। तो छोड़ो गाइस अभी मन नहीं कर रहा मेरा ना। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी, आज आप बोलो क्या किया है। और ये देखो आज हमने पहले तो ये ऊपर भाला सा लग गया गेट के ऊपर, दो दो हमारे ये हो गए गाइस, इसका घर भी बड़ा हो गया, जहाँ तक मुझे याद है पहले छोटा था गाइस। ये दो दो बैनर लग गए गाइस हमारे, और अगर आप देखो तो हमने एक इतने तगड़े बंदे को खोल लिया है गाइस, और 500 वेव भी कंप्लीट कर लिया। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तब भी कर देना, जिन्होंने नहीं किया पुराने और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर देना गाइस। मैंने अब चेक किया था मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है गाइस, और मैं हैरान हो गया गाइस, 40% इंडियन देखते हैं मेरी वीडियोस, तो 60% बाहर से आते हैं लोग देखने, जैसे और दूसरी कंट्री से, मुझे नहीं पता कौन कौन सी कंट्री से। तो गाइस थैंक यू सभी भाइयों के सपोर्ट के लिए, मिलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।